दोस्तों स्काई जंपर एक मॉडर्न इंडोर एम्यूजमेंट पार्क है जिसमें आप मनोरंजन, एडवेंचर, मस्ती, फिटनेस और खेल का एक साथ अनोखा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वैसे स्काई जंपर ट्रेम्पोलिन पार्क के 3 ब्रांचेस हैं, दिल्ली NCR में, एक नोएडा में है, एक गुरुग्राम में है और एक दिल्ली के मेट्रो वॉक में है, जहां आज हम जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम फैमिली के साथ जा रहे हैं मेट्रो वॉक के स्काई जंपर ट्रेम्पोलिन पार्क में और आज की इस वीडियो में आपको स्काई जंपर ट्रेम्पोलिन पार्क का पूरा रिव्यू देने वाले हैं। खर्चा कितना आएगा, कब जाना ठीक रहेगा, एंट्री प्रोसेस क्या क्या है, क्या खास खास ऑफर यहां पर चल रहा है आजकल और ऑनलाइन अगर आप टिकट लेते हैं तो क्या प्रोसेस होने वाला है और क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वो खास खास ऑफर के बारे में भी बताएंगे जिसका फ़ायदा आप यहाँ ले सकते हैं, यानी 30% से लेकर के 50% तक टिकट में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लगातार अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस और खास अपडेट लेकर के आते रहते हैं जिसका फायदा आपको ट्रेवल प्लान करने में मिलता रहता है। आपकी यात्रा सुखद और ज्यादा मंगलमय कैसे बने, इससे रिलेटेड ट्रेवल टिप्स भी हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप मेरे वीडियोज को लगातार देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों मेट्रो वॉक रोहिणी के लिए आप मेट्रो से आ सकते हैं, रिठाला नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, यहां से मेट्रो वॉक वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोस्तों आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, 4-व्हीलर का 40 रुपए और 2-व्हीलर का 30 रुपए पार्किंग चार्जेस है। दोस्तों इस मेट्रो वॉक में एडवेंचर आइसलैंड, स्काई जंपर ट्रेम्पोलिन पार्क, वाटर पार्क, फन विला, डायनासोर पार्क, रनवे वन, बोट राइडिंग, 3D आर्ट पिक्चर गैलरी जैसे कई सारे एंटरटेनमेंट के यूनिक ऑप्शंस आपको यहां पे मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ आपको यहां खरीदारी के भी कई सारे यूनिक ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिलहाल अभी हम सीधा चल रहे हैं स्काई जंपर ट्रेम्पोलिन पार्क में। दोस्तों मेन गेट से एंट्री करने पर जब आप राइट साइड में जाएंगे तो रनवे वन के टिकट काउंटर के पास ही स्काई जंपर ट्रेम्पोलिन पार्क, एडवेंचर आइसलैंड, डायनासोर पार्क का टिकट काउंटर मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम स्काई जंपर के लिए यहां एंट्री टिकट ले रहे हैं जो 200 रुपए पर पर्सन है। 600 रुपए में हमने 3 टिकट ले लिया है और अब हम जा रहे हैं स्काई जंपर में। अगर आप चाहते हैं एडवेंचर आइसलैंड जाना तो वहां के लिए टिकट आप यहीं पास से ले सकते हैं, आजकल यहां अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं स्काई जंपर ट्रेम्पोलिन पार्क में और यहां हम जंपिंग के लिए टिकट और ग्रिप सॉक्स खरीदेंगे। ये जो 200 रुपए का टिकट मैंने लिया था उसका आप यहां पर कुछ खा सकते हैं या फिर जो आप टिकट लेंगे यहां पे उसमें 200 रुपए माइनस हो जाएगा। दोस्तों जंपिंग के लिए टिकट की कई वैरायटी है, यहां अगर आप वीकडे में आते हैं तो आधे घंटे के लिए 450 रुपए, 1 घंटे के लिए 700 रुपए, 1.5 घंटे के लिए 950 रुपए और 2 घंटे के लिए 1200 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आप वीकेंड पर आते हैं तो आपको 150 रुपए पर टिकट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप वीकडे में आसानी से आ सकते हैं क्योंकि यह स्काई जंपर ट्रेम्पोलिन पार्क रात 10 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों यहां जो हम जंपिंग के लिए टिकट लेंगे आप चाहें तो उसमें से वो 200 रुपए एडजस्ट करवा सकते हैं जो आपने एंट्री फी दिया था, यानी आपको एक टिकट जो आधे घंटे के लिए 450 रुपए की थी उसके लिए आपको सिर्फ 250 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप जंपिंग के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप उन 200 रुपए का यहाँ कुछ खा सकते हैं और फ्री घूम सकते हैं। अभी यहाँ रिसेप्शन पर हमें एक डिजिटल फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम फटाफट फॉर्म भर लेते हैं ऑनलाइन और फिर यहाँ एक नया टिकट जंपिंग के लिए ले लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ आधे घंटे के लिए 450 रुपए वाला 3 टिकट परचेस किया है। ग्रिप सॉक्स जो 85 रुपए का पेयर है, जंपिंग के लिए ग्रिप सॉक्स लेना कंपलसरी है, ये भी मैंने 3 पेयर ले लिया है। ये ग्रिप सॉक्स आपको पहनने के बाद आप अपने घर ले जा सकते हैं, रिफंडेबल नहीं है। अगर आप बैग वगैरह कुछ भी लेके आते हो तो आप यहाँ पे लॉकर ले सकते हो और लॉकर की प्राइस है 230 रुपीज, जिसमें आपको 230 रुपीज देने हैं। जब आप उन्हें उसकी की वापस करोगे तो आपको वो 30 रुपीज लेके 200 रुपीज आपको रिटर्न कर देंगे। अभी टाइम हो गया है जंपिंग के लिए, अब हम अंदर जा रहे हैं।
दोस्तों इस स्काई जंपिंग ट्रिपलिन पार्क में कई सारी जंपिंग एक्टिविटीज़ हैं जो काफ़ी मज़ेदार हैं। यह एक पैसा वसूल ट्रिपलिन पार्क है जहां आपका बार बार आने का मन करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, जो बचपन में किया था वो अभी कर रहे हैं, एकदम बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। देख रहे हैं आप कितना मज़ा आ रहा है। दोस्तों अगर आप यहां महीने में कई बार आना चाहते हैं तो उसके लिए स्काई जंपर के वेबसाइट पर जाकर जंप्स कार्ड के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें 30% से लेकर 50% तक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको पहले पढ़ना जरूरी होगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ आप बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आप जंपिंग नहीं करना चाहते, सिर्फ बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा स्पेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सराउंडिंग एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, खासकर बर्थडे पार्टी का स्पेशल जो है बैकग्राउंड वगैरह वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आइए और आप आके जितने भी पैसे खर्चे कर रहे हो, हाफ आवर, वन आवर या टू आवर, वो आपके सारे पैसे वर्थ है। दोस्तों अब हम यहां से निकलकर चलते हैं बाहर और डायनासोर पार्क भी देख लेते हैं जो यहां अभी लेटेस्ट खुला हुआ है, जिसका टिकट 100 रुपए पर पर्सन है। दोस्तों डायनासोर पार्क विजिट का वीडियो हम नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर के आएंगे आपके लिए। वैसे मैंने रनवे 1 रेस्टोरेंट का वीडियो ब्लॉग भी बना रखा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों 3D क्लिक आर्ट गैलरी और कुटुम्ब रेस्टोरेंट का भी शानदार ब्लॉग मैंने आपके लिए बना रखा है, आपको ये भी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और मेट्रो वॉक के जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे डायनासोर पार्क और फन विला, इसका पूरा रिव्यू देंगे और विजिट वीडियो होगा, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार देने के लिए वीडियो पर, शुक्रिया। HD ब्लॉग बोले तो एडिटर हरिओम द्विवेदी ब्लॉग, जानो अपना देश।